गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 का एक आरसी का क्वेश्चन विच वॉज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम देखते हैं रिपीट होते हुए उन्हीं में से एक था, और ये टॉपिक था दोस्तों हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे कभी तो न्यूट्रिएंट्स फूड की बात होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, या मेल न्यूट्रिशन की बात हुई तो कभी ओबेसिटी की बात हुई। आज देखते हैं इस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टॉपिक से जो पैसेज उठाया गया उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ। जैसा कि आप पहली लाइन ही देखें, लिखा है मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। अब इसके दो तीन मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे मेजर रीजन आज मैं मिडिल क्लास लोगों का देखूं तो वो ये है, वी कांट इवन रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग फास्ट फूड, जंक फूड, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द हैबिट, उसके टेस्ट की वजह से। बट हमें पता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, वी नो इट वेरी वेल, येट समटाइम्स वी इग्नोर आवर हेल्थ। सो यहां बात हुई, बहुत से लोग अपने जो खा रहे हैं खाना वो राइट फूड नहीं है। फॉर सम, कुछ लोगों के लिए तो इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद फूड दे एंजॉय, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, बट विच इज नॉट टू हेल्दी, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। इवन वी नो इट समटाइम्स व्हेन वी आर ईटिंग इट, राइट। सो दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब इससे कुछ डिसीजेस ऐसी हो रही है जो साफ साफ अभी तो दिखने से रही, राइट। नाउ दिस इन टर्न लीड्स टू अ मेजर बर्डन ऑन आर हेल्थ केयर सिस्टम्स। इससे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर जो है बर्डन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट हैव द पोटेंशियल टू डीरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस विच इज असेंशियल फॉर द पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। तो अब देखा जाए तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे कि बर्डन में आ गया हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। जब बात हुई इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तो उसमें जो गरीब लोग हैं उनको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर इन सब चीज से आप दूर रहना चाहते हो, अगर आप बात करें टू डीरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो कि बड़ी एसेंशियल है उसको डीरेल कर रहे हैं। अगर हम लोग ठीक खाना नहीं खाएंगे विल डेफिनेटली गेट सिक। नाउ फॉर अदर्स इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड। अब एक तो हो गया लोग अपनी चॉइस के लिए खा रहे हैं, ठीक है, उनको पता है कि ये फूड हमारे लिए न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। दूसरा कौन है, जो जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है न्यूट्रिशियस फूड का और लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी। दूसरे हो गए जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनके पास जो एक्सेस है पैसे का वो लिमिटेड है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास न्यूट्रिशियस फूड पहुंचता ही नहीं बिकॉज वो कुछ ऐसी कैटेगरी में आते हैं लो इनकम कैटेगरी के अंदर जिसमें वो एक्सेसिबल ही नहीं है जो हाई न्यूट्रिशियस फूड है उसको परचेज करने के लिए। तो दो रीजंस यहां निकल के आए, जिससे क्या हो रहा है, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स दैट डू नॉट प्रोवाइड, वही रेगुलर डाइट्स खाते रहते हैं जिससे कि प्रोवाइड नहीं होता द डेली न्यूट्रिएंट्स फॉर देम टू डेवलप फुली। फुली डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा उनको। तो दोस्तों दो कारण आपको पता लगे यहाँ पे, ठीक है, एक तो चॉइस से लोग खा रहे हैं, ठीक है, जिनके पास एक्सेस है फिर भी वो खा रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट दे कांट रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग इट, और दूसरे वो है जिनके पास लिमिटेड एक्सेस है या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पार्ट ऑफ द रीजन, अब रीजन में से एक पार्ट की बात हुई कि इसका मेन रीजन क्या है। न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड इज दैट आवर फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रिस्पोंडिंग टू न्यूट्रिशनल नीड्स। तो यहां सबसे बड़ी इंडिकेशन जो आपको मिलती है कि हमारे जो फूड सिस्टम्स है, फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रिस्पोंडिंग, वो रिस्पोंड नहीं कर रहे, वो इस चीज पे बात नहीं कर रहे टू न्यूट्रिशनल नीड्स। समवेयर अलोंग दैट अलोंग रोड फ्रॉम फार्म टू फोक, अगर हम बात करें जो फार्म से फूड हमारे घर तक पहुंचता है उसमें कहीं ना कहीं बीच में देर आर सीरियस डिटोर्स टेकिंग प्लेस, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दैट मीन्स ये गड़बड़ हमारे सिस्टम्स की वजह से हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या पूछा गया और क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता था। सो द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज। और दोस्तों आपको पता है क्रक्स क्या होता है, द मेजर रीजन बिहाइंड एनीथिंग, जो जड़ है उस चीज की, मेजर रीजन क्या है जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज, ठीक है। जब भी आपसे क्रक्स पूछा जाए, क्रक्स होता है कोई भी इशू, कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस की जाएगी उसके पीछे का सबसे फंडामेंटल सबसे मेजर रीजन जो होगा दैट वुड बी द क्रक्स ऑफ द पैसेज, क्रक्स ऑफ द पैसेज, ओके। सबसे पहले द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इंप्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। दोस्तों इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो सजेशन दी जा रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था ये इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन क्रक्स का था। तो आप पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इंप्लीमेंटेड।
अब उन लोगों के लिए तो आप बेसिक इनकम इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हो कि पावर्टी एलिवेशन हो सके, लेकिन जो लोग अपनी चॉइस से खाना खा रहे हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, हेल्थ केयर बर्डन क्रिएट हो रहा है, उससे बढ़ रहा है, उसको कैसे ठीक करेंगे आप? आप तो सिर्फ एक चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, और दूसरी बात, दिस वॉज द सजेशन गिवन बाय द ऑथर, बट क्वेश्चन था क्रक्स का, राइट? सिंगल ऑप्शन, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट. पॉलिसी डिबेट पे आना चाहिए, इस चीज की बात होनी चाहिए, क्योंकि साफ लिखा था पैसेज के अंदर कि आर सिस्टम्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट. समटाइम्स क्या हो रहा है, कुछ डिटोर्स हो रहे हैं जब फार्म से फूड निकलते हैं और हमारे घर तक पहुंचता है, ठीक है? तो ऑप्शन कंसिडरेबल है, सी ऑप्शन पढ़ते हैं. न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इंप्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. दोस्तों, दो रीजंस बताए गए थे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं. तो लोगों की चॉइस की वजह से, व्हेन दे नो इट वेरी वेल जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट दे आर ईटिंग इट. दूसरा, उनकी अफोर्डेबिलिटी की बात हुई थी. तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशनल फूड जो है वो अवेलेबल नहीं, या फिर फूड के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी है. ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और साफ बताया गया था चॉइस या अफोर्डेबिलिटी एक इशू है, लिमिटेड एक्सेस एक इशू है, ना कि यहाँ बात हो रही कि न्यूट्रिशनल स्टेटस आप फूड का बढ़ा दीजिए, ठीक है? किस तरह से, बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. फूड्स तो अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल नहीं है, या फिर चॉइस नहीं है उनकी, लोगों की खाने की, वो खाना नहीं चाहते. दिस वुड बी रॉन्ग. और वैसे भी इसमें भी शुड लिखा है, सजेशन की बात हो रही है, सजेशन शुड नॉट बी देयर. दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीकेशन और व्हाट द ऑथर वॉन्ट्स टू इम्प्लाई. नाउ, यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स, वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विच रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स. तो ये कहते हैं कि मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करके हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए फूड आइटम्स को उनके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के साथ. तो दिक्कत अगेन वही है कि ऐसा नहीं है कि फूड नहीं है न्यूट्रिशियस भरा हुआ, न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं है, ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मेन रीजन क्या है, हमारे सिस्टम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. साफ साफ लिखा था, देखिए, पार्ट ऑफ द रीजन रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट वर्ल्ड वाइड इज दैट आर फूड सिस्टम्स आर नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड्स. तो दिस वॉज द रीजन एंड दैट वॉज आस्क फ्रॉम यू. क्रक्स क्या है पैसेज का, इसलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन जो होगा दैट वुड बी ऑप्शन बी ओनली, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड कि इसका आंसर क्यों होगा. और मैं आपको हमेशा कहूंगा, आपको ये क्वेश्चंस का भी पता होना चाहिए. जैसे कि क्रक्स होता है तो आपको बताना है कि मेजर रीजन क्या है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का, ठीक है? अगर आपको इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन आया तो वो सजेशन की बात कर रहा है, या लिखा होगा व्हाट डज ऑथर वॉन्ट्स टू सजेस्ट, व्हाट डज ऑथर वॉन्ट्स टू इम्प्लाई, वो क्या इम्प्लाई करना चाहता है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है अपने इस बात से, ओके? और अगर क्वेश्चन आता है इन्फ्रेंस का, इन्फ्रेंस इज समथिंग जिसका कुछ ना कुछ एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली प्रूफ भी गिवन है, एविडेंस गिवन है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो उसको रिलेट करते हो. आपके इंट्यूशन क्या कहती है कि आपको कौन सा आंसर ऑप्शन चूज करना चाहिए. एंड अजम्पशन का है व्हाट यू कैन अज्यूम इवन इफ समथिंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली सेड इन द पैसेज बट इट इंडिकेट्स, और आप अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा कहना करेक्ट होगा या गलत होगा. तो अलग अलग क्वेश्चंस के नेचर को समझिए, उसके बाद अपने आंसर ऑप्शंस को पढ़ेंगे आप, तो डेफिनेटली यू विल गेट द राइट आंसर ऑप्शन, ओके? बाकी सीसेट के स्प्रिंट कोर्स के बारे में यू ऑलरेडी हैव इनफ नॉलेज टिल नाउ. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दिस लाइव कोर्स ऑफ सीसेट स्प्रिंट, जिसमें आपको प्रैक्टिस शीट्स के साथ साथ लाइव इंट्रैक्शन की 21 क्लासेस मिलती हैं. डिटेल्स आपके सामने. अगर आपको अब भी लगता है कि सीसेट की तैयारी थोड़ी डगमगा रही है तो डू ज्वाइन आवर कोर्स. थैंक यू वेरी मच.